हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम रैशनल नंबर को रिवीजन कर रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर को कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि आप रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने आपको दो मेथड बताए। या तो आप डिनोमिनेटर को देखिए और जीरो से लेके स्टार्ट कीजिए और जितने आपका डिनोमिनेटर दे रखा है, जैसे यहाँ पर 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 पार्ट इसके करेंगे और न्यूमिनेटर को देखते हुए जहां पर आपका नंबर आता है, जैसे 5 यहाँ पर आ रहा है तो ये आपका 5/4 हो जाता है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। छोटे नंबर के लिए तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो इजी आपको वहां पर पड़ेगा। इम्प्रॉपर को आप मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक होल नंबर मिलेगा और एक आपको फ्रैक्शन में मिलेगा। तो होल नंबर और का जो पार्ट्स होगा, यानी कि यदि आपको क्या मिले 5 होल 1/2, तो आपको 5 होल मिला है, यानी कि 5 और 6 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो नंबर लाइन पर आप क्या बनाएंगे, 5 और 6 बना सकते हैं और 1/2 इसके पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दर्शाना है। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि दो नंबर लाइन पर, देखिए इसको क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट जाता है, 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 7/4 को संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। ठीक है, चलिए यहां पर हम देखिए, नंबर है आपके पास 7/4। तो इस 7/4 को आप चाहे तो मिक्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स में इसको बदल सकते हैं। दोनों मेथड में आपको बताऊंगी दोनों मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका 0 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखिए कितना है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, और इसी तरह से यहाँ आपका -1 होगा और -2 होगा। नीचे आपके पास क्या है, 4 है, तो यानी 0 और 1 के आप 4 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ऊपर देखिए 7 है तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यानी कि ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 7/4। छोटे नंबर के लिए, क्योंकि ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, छोटे नंबर के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फटाफट से आप इसको नंबर लाइन पर दिखा देंगे। ठीक है, अब अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया कि अभी अगर आपके पास 22/7 है, 22/7 है, इसको जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इस मेथड से देखिए, क्योंकि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मैं इसको बिना मिक्स में कन्वर्ट करे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो मैं 0 यही ले लेती हूँ। ठीक है, और 1। अब मुझे क्या देखना है, मुझे न्यूमरेटर को देखिए 22 है, अब हर इसका देखेंगे हम, हर क्या है 7 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पर 1 लेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप 3 लेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आप 4 लेंगे। अब आपको क्या देखना है, इसका न्यूमरेटर देखना है, यानी कि इसका अंश देखना है। अंश क्या है, 22। 0 से आप काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ पर आपका 22/7 आता है। हो सकता है कोई और बड़ा नंबर हो तो फिर आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए। अब इस क्वेश्चन को यदि हम इसको 7/22, इसको मैं अगर क्या करूं 7 3
लीजिए 21 माइनस करेंगे तो 1 आपको मिलेगा, ठीक है। तो 3 होल 1 अपॉन 7, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। 3 होल 1 अपॉन 7, इस क्वेश्चन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। 22 अपॉन 7 को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 3 होल 1 अपॉन 7, यानी कि 3 होल 1 अपॉन 7 का मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। अब आपको बहुत सारा नहीं लिखना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर देखिए 0 बनाइए, 0 ना भी बनाएं तो आप यहाँ 3 बना दीजिए नंबर लाइन पर कहीं भी, और यहाँ पर आप 4 बना दीजिए, क्योंकि हमने क्या कहा कि 3 होल है और उसके बाद कोई फ्रैक्शन नंबर है तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा। आपको कितने पार्ट, अब फ्रैक्शन नंबर को देखिए, आपको कितने पार्ट कर रहे हैं इसके, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस 7 का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा 3 के बाद यही आपका 22 अपॉन 7 होगा, ठीक है। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसके बाद आपको बहुत सारा नहीं करना पड़ा, बस आपको 3 और 4 के बीच में नंबर को दिखाना, यही नंबर है। देखिए यहाँ पर एरो का मतलब ये है कि ये नंबर इस तरह से आगे भी इसी तरह से जा रहा है। तो ये है इस मेथड का यूटिलाइज, जिसको आप बड़े नंबर्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी बड़े नंबर आए तो उसको आप मिक्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर ये अगर आपको इजी लगता है तो इसी मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। आपको क्या करना है, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, किसके, -1 के और 0 के। मैं नंबर लाइन बना दूं यहां पर, लेट सपोज ये 0 है और यहाँ पर आपका माइनस का 1 है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके, 0 और, तो -1। तो पहला काम क्या है, आप -1 को पहले किसमें, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर के फॉर्म में अभी है नहीं, तो इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या करके, इसको अपॉन में 1 करके, ठीक है। और 0 को भी आप क्या लिखेंगे, 0 अपॉन 1। यहां पर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6, यहां भी आप मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 6 और यहां भी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 6 और 0 अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में आप 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, कौन कौन से 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, ठीक है, 0 से लेके और -6 के बीच में, ठीक है। अभी अभी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था ना ये नंबर, ठीक है। तो 0 से लेके 0 अपॉन 6, इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 6 पार्ट हो रखे हैं 0 और 1 के, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसको हम क्या लिख रहे थे, इसको तो क्या लिख दिया, 0 बाय 6, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से -1 बाय 6, ये होगा -2 बाय 6, ये होगा -3 बाय 6, ये होगा -4 बाय 6 और ये आपका क्या आ जाएगा, -5 बाय 6। यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, माइनस, इधर से अगर आप लिखें -6 से यहाँ से लिखें तो क्या आ जाएगा, या 0 से लिखें तो 0 बाय 6 के बीच
कौन कौन से नंबर आएंगे? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। तो पांच रेशनल नंबर हमको निकालने थे किसके बीच में, और -6/6। -6/6 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? माइनस का, इसको काटेंगे आप तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पांच नंबर आ जाएंगे किसके, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके 0 और 1 के, -1 और 0 के बीच के पांच रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, आगे आप इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको जब आप काटेंगे, इसको -2/6 को जब आप काटेंगे तो ये काट करके कितना आ जाएगा, देखिए 0, ये तो 0 हो गया है, 1/6 माइनस का 1/6 कॉमा, इसको काटेंगे तो -1/3, और इसको भी आप अगर काटेंगे तो ये -1/2 कॉमा -2/3 और कॉमा -5/6, किसके बीच में, ये -1 और इनके बीच में ये नंबर आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइव रैशनल नंबर आपको दिखाने थे किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। तो अभी अभी अगर आपको नंबर लाइन पर हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने क्या करना है, जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उसमें एक ऐड करके, पहले तो इसको आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। -1 को रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, -1/1, और 0 को कैसे लिखा जाता था, 0/1। ये हमने शुरू में ही बताया था कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आपका इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, p/q के फॉर्म में नंबर हो, q does not equal to 0, यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। तो 0/1 को आप रैशनल नंबर कहेंगे, क्यों कहेंगे, ये तो आपका 0 नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 हो ऐसा तो हमें डेफिनेशन में नहीं दिया था, तो क्योंकि वो इंटीजर्स है तो 0 भी ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 और 0 के बीच में पांच रैशनल नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट क्या है, -2 और -1 के बीच आपको पांच रैशनल नंबर को बताना है। सेकेंड पार्ट है इसका, -2 और -1 के बीच में। ठीक है, तो पहले तो हमें इसी को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किसको, -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को हम लिखेंगे -2/1। ठीक है, और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1। ठीक है, -2 और -1 के बीच में, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 है, ये आपका माइनस का 1 है और यहाँ पर आपका माइनस का 2 है, इनके बीच के पांच रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। तो पांच निकालने हैं तो 1 प्लस करके इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -12/6 और यहाँ पर देखिए कितना आ गया है, -6/6। ठीक है,
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये जानते हैं आप ये क्या हो रहा है, ये हम कर रहे हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आपने अगर ध्यान है तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये फिर से आपको माइनस टू देगा। माइनस ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे सिक्स से तो आपको माइनस टू देगा, और माइनस सिक्स को डिवाइड करेंगे सिक्स से तो आपको माइनस वन देगा। ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, इस टू माइनस टू का ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है और इसका ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम हमने क्या किया, माइनस टू और माइनस वन को रैशनल नंबर बनाया, इसके लिए अपॉन में वन कर दिया, सिक्स से मल्टीप्लाई किया दोनों में। ठीक है, हमने दोनों में सिक्स से मल्टीप्लाई, आप किसी भी नंबर से इसको, बड़े नंबर से आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप सेवन से कर सकते हैं, एट से कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये देना है, जब जैसे फाइव निकालना है तो सिक्स वन ऐड करके आप आगे के नंबर को इंक्रीज करके निकालेंगे, क्योंकि आपको फिर बीच में कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फोर से करती तो आपको एक नंबर कम मिलता। ठीक है, या थ्री से करती या टू से करती, नंबर तो मिलते हैं हमें लेकिन एक नंबर कम। अभी इसको इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे, मैं इसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इसका क्या है, एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। और अब हमने क्या करना है, देखिए माइनस ट्वेल्व और माइनस सिक्स के बीच में कितने नंबर हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कितने नंबर होंगे यहाँ पे, माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स, आगे कौन सा नंबर होगा, माइनस इलेवन अपॉन सिक्स, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, माइनस टेन अपॉन सिक्स, इसके बाद होगा माइनस नाइन अपॉन सिक्स, इसके बाद होगा माइनस एट अपॉन सिक्स। ठीक है, और पांच ही नंबर निकालने थे तो माइनस सेवन अपॉन सिक्स, और इसके बाद लास्ट क्या नंबर है यहाँ पर, ये आपको दिया है माइनस सिक्स अपॉन सिक्स। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हमें मिल गए हैं, माइनस इलेवन अपॉन सिक्स, माइनस टेन अपॉन सिक्स, माइनस नाइन अपॉन सिक्स, माइनस एट अपॉन सिक्स और माइनस सेवन अपॉन सिक्स। तो ये पांच नंबर हमें यहाँ पर मिल गए हैं। हम यहाँ पर इसको छह से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें क्या नंबर आपको दिया है, माइनस टू अपॉन वन और यहाँ पर है माइनस वन अपॉन वन। आप इसको चाहें तो तीन से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आपको मिलेगा माइनस तीन। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस सिक्स बाई थ्री। ठीक है, और यहां पर आपको कितना मिलेगा, माइनस थ्री अपॉन थ्री। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर तो मिलते हैं लेकिन आपको पांच रैशनल नंबर नहीं मिल पाएंगे। देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स के बाद माइनस फाइव बाई थ्री और माइनस फोर बाई थ्री, और थ्री बाई थ्री तो आ गया है, दो ही रैशनल नंबर मिले। इसलिए हमें जितने नंबर आपको पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर से उसको मल्टीप्लाई, जितने नंबर आपको पूछे हैं उसमें एक ऐड करके उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट इन एग्जैक्ट आपको वही नंबर मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है। आप चाहें तो इसको और नंबर से, अगर आपको दो ही नंबर से इसको निकालने होते तब आप तीन से मल्टीप्लाई करते, चार से करते, पांच से करते, तो वो सारे नंबर आपको मिल जाते। ठीक है, तो ये पांच रैशनल नंबर हैं, किसके बीच में, माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स या फिर माइनस टू एंड माइनस वन के बीच में। एक चीज, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं नेगेटिव से तो ये नंबर आपका बड़ा होता है, इधर को नंबर आपके डिक्रीज होते हैं। जीरो से जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर आपके डिक्रीज होते हैं, और जीरो से जब आप राइट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे नंबर आपके इंक्रीज होते हैं, वो आपके। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नंबर माइनस वन है, जीरो बड़ा है, फिर माइनस वन है, इस तरह से ये नंबर आपके डिक्रीज होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने रेगुलर क्लास में भी आपको बताया था, वहां पर भी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया था कि कौन नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर यहाँ पे छोटा होता है।
इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, यहां पर अब आपको क्या दिया है, 4/5 है या 2/3 है, क्वेश्चन में है माइनस में 4/5 एंड माइनस 2/3, ये आपको दो नंबर दे रखे हैं, माइनस 5/4 और माइनस में 2/5, 2/3, 3 है नंबर यहाँ पे, ठीक है, माइनस में 2/3, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये आपका, देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वहां अभी तक जो हमने पढ़ा वहां पर क्या थे, वो आपके इंटीजर्स थे, इंटीजर्स के डिनोमिनेटर को हमने 1 करके सेम किया है। तो पहला काम क्या है, आपको 3 और 5 को क्या बनाना है, सेम बनाना है। इसके लिए हमें इसका एलसीएम देना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए देखिए यहाँ पर आप 15 होगा दोनों का एलसीएम, ठीक है, को फैक्टर है ये, ठीक है। तो इसको आप 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 आर, दोनों का एलसीएम क्या है, 15 है, ठीक है, इनका एलसीएम 15 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको 15 बनाना है, 15, ठीक है, दोनों का एलसीएम 15 है। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 हो जाए, 3 से, यहाँ भी 3 से करेंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 से, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने क्या किया, एलसीएम दिया दोनों का 15, क्योंकि हमें इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। अब आपको नंबर क्या क्या मिल गए हैं, माइनस 12 अपॉन 15 और दूसरा नंबर क्या बन गया, 10 अपॉन माइनस में 10 अपॉन 15। अब इन दोनों नंबर के बीच में आपको एक ही रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है, माइनस 12 और माइनस 10 के बीच में आपको माइनस 11 अपॉन 15 ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। तो मैं इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो नंबर क्या मिला, 12 तीन 36 माइनस का 36 और 35। नीचे भी 30 अपॉन 45, ठीक है। अब ये दो नंबर हमने निकाल लिए हैं क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। माइनस 36 अपॉन 45 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, एक तो होगा माइनस 35 अपॉन 45, दूसरा होगा माइनस 34 अपॉन 45, तीसरा होगा माइनस 33 अपॉन 45, चौथा होगा माइनस 32 अपॉन 45, और पांचवा नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा माइनस में 31 अपॉन 45, ठीक है। कहीं कहीं टीचर्स आपको क्या बताते हैं कि आप सीधे इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वहां पर भी आपको जितने भी नंबर चाहिए होंगे आप कोई सभी नंबर यहाँ पर निकाल लेंगे, तो वो भी मेथड सही है कि आप 10 से कीजिए। लेकिन यहाँ पर इतनी नीड नहीं थी, जहाँ आपको 10 नंबर निकालने हो, 20 नंबर निकालने हो, तो आप वहां पर 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वो सारे नंबर किसी किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में, हो सकता है आपका आंसर आपके दूसरी क्लास के बच्चों का आंसर अलग आए, लेकिन वो गलत नहीं है, हमारा मेथड सही होना चाहिए। आपकी जो आंसर है वो वरी कर सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर आप अगर इस मेथड से निकाल रहे हैं तो वो नंबर, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि वो किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो वो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, बट वो अगर आपने मेथड सही किया है तो वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक, 1/2 and 2/3। इन दोनों नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो या तो आप एलसीएम ले लीजिए, और क्योंकि बड़ा नंबर निकालना है तो हमें इसके क्या कर सकते हैं आप, सेम नंबर से इसके डिनोमिनेटर को पहले आप सेम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 6 बना सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3/6 और यहाँ पर आ जाएगा 4/6। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिनको आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बड़े नंबर से आप इसको, देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर 5 नंबर निकालने हैं, डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हैं, 5 नंबर निकाल लिए हैं, तो सीधे आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सीधे आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमने शुरू के क्वेश्चन में किया था। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/6 18 और 6/6 36 और यहाँ पर 24/36। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 18/36 और 24/36 के बीच 5 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे। पहला नंबर क्या होगा, 19/36, दूसरा होगा 20/36, तीसरा 21/36, चौथा 22/36 और 23/36। तो ये 5 नंबर आपको मिल गए हैं इन दोनों के बीच में। तो जब आप क्या करते हैं, जितने नंबर निकालने हैं उससे एक प्लस करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्ट आपको वो नंबर मिलेंगे जितने आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये 5 वो नंबर हैं जो 1/2 और 2/3 के बीच में लाई करते हैं या इनके बीच में आते हैं, ये वो रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और नंबर भी चाहिए होंगे तो इनको आप सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख करके वो नंबर भी आपके इन्हीं के बीच में आएंगे, उनके बीच में ही लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न गिवन है, आपने क्या करना है, इसमें 4 और नंबर आगे के पैटर्न को फॉलो करके, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 और नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -3/5 -6/10 -9/15 -12/20। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है, -3/5। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रेशनल नंबर में 2 की जब मल्टीप्लाई हुई तो आपको क्या मिला, -6/10 और ये अगला नंबर है। ठीक है, इसी नंबर में इसमें -3/5 मल्टीप्लाई बाय 3 जब हमने किया तो क्या मिला आपको, -9/15 जो कि इसका थर्ड नंबर है। इसी नंबर में -3/5 में जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा 4 का, ठीक है, तो आपको क्या मिला, -12/15 20।
जो कि इसका नेक्स्ट नंबर है। यानी कि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, इस नंबर का -3/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न को जब आप आगे ले जाएंगे तो -3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 तक हो गया है, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आपको मिलेगा -15/25, यानी कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा -15/25। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5 तक मल्टीप्लाई हो गया, 6 मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 18, माइनस का 18/30। ठीक है, तो यानी कि -18/30 यहां पर आपका इसके बाद का नंबर आएगा। 6 से कर दिया है, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब 7 से होगा तो क्या आ जाएगा, -21/35, यानी कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा -21/35। 7 के बाद आप यहां पर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है नीचे इसको 5 लिखेंगे, 5 × 8 और यहां पर भी × 8, तो -24/40। तो ये जो चार नंबर हमने लिखने थे ये हमने लिख लिए है -24/40। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करने थे, राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर हमने इसके कितने रैशनल नंबर लिख लिए हैं, 4 रैशनल नंबर आगे के लिख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे -3/5 का रैशनल नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, -3/5 का जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, ये सारे इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, जब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इसी प्रकार से आपको इस पैटर्न को भी देखना है, इनको आप होमवर्क कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर को कैसे निकालते हैं ये सीखा है, और कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस किए हैं सॉल्व। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।